हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल ओल्ड एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टडी प्लान एंड फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम डिटेल प्लस टेस्ट सीरीज डिटेल। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन योर एग्जाम। इस वीडियो में हम लोग स्टडी प्लान, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज के डिटेल के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप 60 प्लस मार्क्स अपने एग्जाम में पा सकते हो। इस बार का स्टडी शेड्यूल आपका एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे बनाया गया है। खासकर वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता था उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा, या फिर जो वर्किंग है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है जिसे 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। कुछ ही ऐसे चैप्टर है, 5 से 6 ही चैप्टर ऐसे है जैसे 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो वेटेज वाइज पढ़ने के बेनिफिट क्या होते हैं कि आप वो प्रॉपर चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कर सकोगे। सो आपको स्टडी वेटेज वाइज करना है। ओके, ऑलवेज स्टडी क्या करना है, वेटेज वाइज करना है। मैं आपको वेटेज लिस्ट दे दूंगा और इस शेड्यूल में आपको टारगेट फिक्स है कि कौन से दिन क्या पढ़ना है, टोटल डिटेल इसमें फिक्स है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस शेड्यूल को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज का डिटेल बताऊंगा। टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये जानना है तो ये पीडीएफ फाइल जब शेयर करूंगा तो इसमें हमारे स्टूडेंट की रिजल्ट को देख लीजिएगा और उनके कमेंट को भी देख लीजिएगा। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अब एग्जाम में आप जाओगे वहां पे लिखोगे तो वहां पे डायरेक्ट मिस्टेक होगा, तो डेफिनेटली कि मार्क्स कुछ कम आ सकते हैं, निगेटिव आ सकते हैं, फेल हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन हो जाती है, रिविजन हो जाती है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है वेटेज वाइज एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद रिवीजन करना है और टेस्ट भी लिखना है। अगर आप टीएसपी के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो तो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का सेकेंड बैच का 7 मार्च। 8 मार्च से हमारा टेस्ट सीरीज का बैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ से इस बार एक स्टूडेंट का रैंक भी आया है, 35+ क्वालिफाइड सीएस हुए है, प्लस 300+ स्टूडेंट पास भी हुए। अगर रिजल्ट देखना है आपको हमारे स्टूडेंट का तो आपको इसी पीडीएफ में सारे रिजल्ट आपको दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट के। सारे रिजल्ट आपको इसी पीडीएफ में दिख जाएंगे, तो आप पीडीएफ को देखो, आप हमारे स्टूडेंट के रिव्यू को देखो, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ओके, बट अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो याद रहे हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन होता है। जैसे लेसन्स कंप्लीट होंगे उसके पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो जाएगी। टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारे जो क्वालिफाइड मेंबर है वो चेक करेंगे और वो चेक करके बताएंगे कि आपकी मिस्टेक क्या है। ओके, सो अब हम लोग स्टडी शेड्यूल को देखेंगे। पहले थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 40+ चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, 2 फुल सिलेबस के सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, उसके बाद 500+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर, और विद इन 2 डेज वी विल रिटर्न योर चेक्ड आंसर शीट। उसके अलावा हर सैटरडे को स्टडी से रिलेटेड जूम मीटिंग होगा और हर संडे को टेस्ट और परफॉर्मेंस रिलेटेड गाइडेंस के लिए जूम मीटिंग होगा। हमारे फैकल्टीज आएंगे और जूम मीटिंग के थ्रू आपको गाइड करेंगे, आपके पेपर को ओपन करके आपको बताएंगे कि इस पेपर में अगर आपने एक वीक में 3 टेस्ट दिया है तो तीनों टेस्ट के पेपर के अकॉर्डिंग आपको संडे को गाइडेंस मिल जाएगी। और मेंटरशिप में आप जो पूरे एक वीक स्टडी करोगे उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस आपको सैटरडे को मिलेगी। याद रहे कि मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑलवेज फ्री है और वो फ्री ही रहेगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज ही थोड़ा सा कुछ उसके लिए आपको पेड करना होता है, वो भी मिनिमम ही प्राइस है। ओके, दूसरी चीज है कि अगर आपको मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। कल ही हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट का शेड्यूल है। सबसे पहले मैं कुछ आपको शॉर्ट नोट्स और मेमोराइज टिप्स बताता हूँ। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मंथ है, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स हमेशा आप अपने लैंग्वेज में बनाना
और सोने से पहले बनाना। दिन भर आप जो भी पढ़ोगे उसको अपने नॉलेज के बेसिस पे रात को सोने से पहले शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके, पेज नंबर आप लिख लेना शॉर्ट नोट्स बनाना तो, कि कौन से लेसन के कितने नंबर पेज का वो टॉपिक है, इससे हेल्प होगी। ये कुछ टिप्स है, आप पढ़ लेना इसको। यहाँ पे 7 टाइम सेट है, अगर आप सुबह में 5 बजे उठते हो, 5 AM में उठते हो तो आप इसको फॉलो करो, 6 AM में उठते हो तो इसको फॉलो करो, 7 AM में उठते हो तो इसको फॉलो करो। मल्टीपल सेट बनाया गया है, आप किसी भी दिन किसी भी सेट को फॉलो करो। ये बोथ ग्रुप के लिए है, दिस इज फॉर सिंगल ग्रुप स्टूडेंट। और ये जो वर्किंग स्टूडेंट है, जो आर्टिकल सी पढ़ती है, उनके लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टडी शेड्यूल। सो फॉर सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट हैव टू स्टडी डिवाइडिंग द कोर्स इन एबीसी एनालिसिस। क्यों डिवाइड करना जरूरी है? क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है कि वो ऐसे चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं जिससे क्वेश्चन कम मार्क्स के आते हैं। अब उस पे ज्यादा ध्यान देके आप गए, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया, और जिसपे जिससे क्वेश्चन आया उस पे आपने फोकस ही नहीं किया, तो फिर डेफिनेटली कि आपके मार्क्स आएंगे नहीं, आप फेल हो जाओगे। सो कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना चाहिए, ABC एनालिसिस उसी को कहते हैं। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम, आपके पास एक अच्छा शेड्यूल है, अब आप सेल्फ स्टडी करने वाले अगर स्टूडेंट हो तो आपको एक मेंटर की जरूरत होगी जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि कब कैसे पढ़ना है, या अगर आप प्रॉब्लम में फंसो तो आपको हेल्प कर सके। उसके लिए TSP का प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। चाहे आप अपना शेड्यूल फॉलो करो या फिर हमारा टारगेट स्टडी शेड्यूल फॉलो करो, आप मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना। थर्ड इज इम्प्रूव राइटिंग पैटर्न। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका राइटिंग पैटर्न इंप्रूव नहीं है तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके मार्क्स कम है, क्योंकि आपने 6 महीने पढ़ा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया और डायरेक्ट जाके आप एग्जाम में लिख रहे हो, तो सोचो कि वहां पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो करेक्ट तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर आपने मिस्टेक किया तो अब निगेटिव मार्क्स ही आएंगे। सो आपको पहले टेस्ट देना है, और याद रहे ये भी कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एज अ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होते हैं, चेकिंग करने का प्रोसेस अलग होता है, मार्क्स काटने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है। ओके, सो आई रिकमेंड यू ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम विद एडवांटेज सीरीज फॉर एनालिसिस। एनालिसिस में सिर्फ 30% आपके सिलेबस है, जिससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सोचो कि 30% ही सिलेबस है, चैप्टर्स है, और 30% चैप्टर में से 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ गए तो बेनिफिट है। फिर बी में 35% चैप्टर्स है और 30 मार्क्स ही आ रहे हैं, देखो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हाई इंपॉर्टेंट इज ए एनालिसिस, लेस इंपॉर्टेंट इज बी एनालिसिस। ओके, सो सबसे पहले आपको कैटेगरी ए कंप्लीट करना है सभी सब्जेक्ट के, तो 50% मार्क्स आपके हो गए। 50% मार्क्स में आप हो गए कि हाँ मेरा 50% सिलेबस हो गया कंप्लीट, 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा एग्जाम में। अब पार्ट बी को फिर उसके बाद सभी चैप्टर से आप कंप्लीट करोगे, एंड देन लास्ट में पार्ट सी को, कैटेगरी सी को, सी एनालिसिस को आप लास्ट में स्टडी करोगे, क्योंकि टाइम भी नहीं बचता है। तो अगर कैटेगरी सी बच भी जाए, उसको नहीं भी टच कर पाओ आप, तो भी आप पास कर जाओगे एग्जाम में। अब मैं इसी बेसिस पे जो आपके लिए शेड्यूल बनाया हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट का, ग्रुप 1 वालों का है। यहाँ पे टोटल गाइडलाइन आप पढ़ लेना, कितने बुक है, कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, और एक बुक के लिए कितने दिन देने हैं, कैटेगरी ए के लिए कितने दिन देने हैं, बी के लिए कितने दिन देने हैं, सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। इसको आपको रीड कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये ग्रुप 1 वालों का स्टडी शेड्यूल है, इसमें मैंने लिखा है पार्ट ए 50% मार्क्स,
और टोटल डेज भी लिखा गया है इसमें। ओके, क्वेश्चन अप टू 50% मार्क्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर सेलेक्टेड इन पार्ट ए विल कम इन योर एग्जाम। पार्ट ए में जितने चैप्टर सेलेक्ट किए गए उनसे 50% मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे देखो, डे वन में आपको क्या पढ़ना है, ये चैप्टर, इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डे टू में क्या पढ़ना है, ये वाला चैप्टर। डे थ्री में ये वाला, दूसरे सब्जेक्ट का भी है सेम। ओके, सो ये काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए, आप प्रॉपर उस चैप्टर पे फोकस कर पाओगे जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहां से इस शेड्यूल को आप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीटेड शेड्यूल आफ्टर 5 डेज हम लोग टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर टीएसपी के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक रिवीजन का भी लिखा है कि हर इतने दिन के बाद, कुछ दिन के बाद आपको रिवीजन करना है। स्टडी के साथ रिवीजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप आगे पढ़ते हो पीछे भूल जाते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो हर किसी के साथ होता है कि हम आगे पढ़ते हैं और पीछे के भूल जाते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट रिवीजन आपका स्टडी के साथ चलेगा। पहले दिन भर जो आप पढ़ोगे, रात को सोने से पहले रिकॉल करके, अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, लेकिन सोने से पहले रिकॉल करना है। हर 3-4 दिन के बाद एक रिवीजन आपका होगा, पिछले 3-4 दिन में जो भी पढ़ा उसका। ये है आपका ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट का, और इसके नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो बोध ग्रुप वालों का मिल जाएगा। ये है सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वालों का। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस शेड्यूल को फॉलो करना, तुम जरूर पास हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और 1x1 अगर करने चले तो फिर हो गया, लास्ट अटेम्प्ट भी है। सो इस शेड्यूल को फॉलो करो। एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का दिखाया, ये न्यू सिलेबस का है। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट, अगर ग्रुप 1 है आपका तो आप इसको फॉलो करोगे। टोटल डिटेल आप पहले पढ़ लेना कि कितने कितने दिन हम ले रहे हैं पार्ट ए, पार्ट बी को, पार्ट सी को, इसको रीड करके फिर आप स्टडी स्टार्ट करना। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 1 का, टोटल डेज कितने लेने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, कितने मार्क्स के आएंगे एग्जाम में इस चैप्टर से। देख लो, लेसन 2 से 10 से 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे। So, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इट्स मीन कि इस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और डबल रिवीजन करना है। ओके, इसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ग्रुप 2 का आएगा, उसके बाद लास्ट में बोथ ग्रुप वालों का आएगा। इस शेड्यूल को अच्छे से रीड करके स्टार्ट कर देना स्टडी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल हेल्प यू। न्यू सिलेबस का मैंने बता दिया कि आपके शेड्यूल में क्या क्या है, कैसे कैसे फॉलो करना है। अब सीएस प्रोफेशनल, आपका ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, आप दोनों के लिए बनाया गया है। ये काफी डिफिकल्ट था बनाना, क्योंकि 3 दिन ग्रुप थे तो इसमें क्या होता, सेपरेट बनाना पड़ा ग्रुप 1, 2, 3 का, फिर ग्रुप 1 के साथ 2 का, फिर 2 के साथ 3 का, काफी ज्यादा टाइम लग गया इस कारण से। बट मैंने बना दिया है आपके लिए और इसको आपको फॉलो करना। ये ग्रुप 1 वालों का है, डेज इसमें आपको मिल जाएंगे, टोटल डेज, कैटेगरी ए बी सी को कितने डेज देने हैं, टोटल डिटेल आपको मिल जाएंगे। ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट इसको फॉलो करें। इसमें आप देख सकते हो कि केएमपी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। सो टोटल डिटेल है, डे 1 में ये पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ऐसे स्टडी करना, यही आपका टारगेट है। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो ग्रुप 2 वालों का आएगा, फिर ग्रुप 3 का आएगा। ये ग्रुप 2 का आ गया, सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2। ये ग्रुप 3 वालों का है, जिनके ग्रुप ऑल है, ऑल ग्रुप है, उनके सबसे लास्ट में है। ये जिनका ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 है, ये उनके लिए है। अगर आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है सीएस प्रोफेशनल में, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला फॉलो करना है, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 कंप्लीट, जो इंडिविजुअल दिया हुआ है
को ग्रुप वन वाले के लिए, लेकिन जिसमें लिखा हुआ है ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, इसका मतलब है कि ये दो ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें टोटल डिटेल दिया हुआ है कि कब कब करना है, आप पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा और तीसरा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल मिलते रहेगा, टारगेट मिलते रहेगा आपको। यहां देख लो, ये ग्रुप वन और ग्रुप टू वालों का है। इसके नीचे जब आप जाओगे तो आपको नेक्स्ट ग्रुप का मिल जाएगा, ग्रुप टू के साथ ग्रुप थ्री वालों का है ये। इसमें देखो वर्किंग कैपिटल से 15 से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे आते ही नहीं है, और कुछ से तो 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, तो 2 से 3 मार्क्स वाले में आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, या फिर जिससे आते ही नहीं उसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे। सो वेट इज वाइज स्टडी करो, डेफिनेटली पास करोगे, और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। ओके, सो ये था ग्रुप टू और ग्रुप थ्री वाले का। आप जब इसके नीचे जाओगे तो यहां आपको मिल जाएगा ग्रुप वन एंड ग्रुप थ्री वाले का, और जब आप सबसे लास्ट में जाओगे तो ऑल ग्रुप वाले स्टूडेंट का ये टोटल डिटेल के साथ शेड्यूल बनाया गया है। ओके, ये ऑल ग्रुप वालों का सबसे लास्ट में। सो सीएस प्रोफेशनल एंड सीएस एग्जीक्यूटिव, खासकर ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट, वेटेज वाइज आपको स्टडी करना है। मैंने सारा काम कर दिया है, बस आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करके हमें रिपोर्ट करना है अंडर मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है अगर आपको जानना है, या फिर कैसे ज्वाइन करना है, तो आई बटन को क्लिक करके आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल बताई गई है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, फ्री मेंटरशिप का डिटेल आपको दिया जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो मेंटरशिप प्रोग्राम में इस वेटेज वाइज एबीसी एनालिसिस वाले शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको स्टडी करके हमें रिपोर्ट करना होगा। किसी दिन आप टारगेट को फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर बैकअप प्लान भी दिया जाएगा, आपके स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने में हम लोग हेल्प करेंगे, और जूम मीटिंग के थ्रू आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। ये सारी सर्विसेस फ्री है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके आंसर शीट सभी हमारे क्वालिफाइड मेंबर चेक करेंगे, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो हमारे क्वालिफाइड जो मेंबर सीएस है वो चेक करेंगे। सीए वाले स्टूडेंट का सीए वाले करते हैं और सीएमए वाले का सीएमए करते हैं। ओके, सो एक लास्ट सजेशन मैं देना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टडी नहीं करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन होते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ही मैसेज है कि अगर आप स्टडी करोगे तो मेरा फुल सपोर्ट होगा, लेकिन आप टाइम पास करने के लिए आओगे तो फिर मेरा कोई सपोर्ट नहीं होगा। अगर आप स्टडी के मेंटरशिप के अप्लाई करने के बाद स्टडी करना बंद कर दोगे, रिपोर्टिंग करना बंद कर दोगे, तो सेकेंड टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सो प्लीज आप स्टडी करो, अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने अटेम्प्ट को बचाओ। ओके, और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। ओके, सो ये वेटेज वाइज शेड्यूल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लो और कल से स्टडी स्टार्ट करो। स्टडी स्टार्ट करके टाइमर लगा के आपको स्टडी करना है, और टाइमर का स्क्रीनशॉट सोने से पहले हमें व्हाट्सअप कर देना है। उस टाइमर के बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे और देखेंगे कि पूरे वीक में आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प की जाएगी अंडर मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, सो सी यू सून।